दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज की माने तो धरती के अंदर आज की तारीख में 1.3 ट्रिलियन बैरल्स तेल मौजूद है। अगर हम बात करें दुनिया के बड़े तेल के कुओं की, तो जिस गति से हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आज की जो करंट दर है, अगर उस गति से हम इस्तेमाल करते रहे तो आने वाले 40 साल के अंदर ये सारे के सारे तेल रिजर्व खत्म हो जाएंगे। धरती के नीचे पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, हमारी पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर है, कम से कम आज की तारीख में तो बिल्कुल। सब्जी भाजी तेल इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों को एक बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा और लाया जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी है ईंधन, जो हमारी पृथ्वी पर बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन आप भी जानते हैं कि बिना ईंधन के कोई भी गाड़ियां नहीं चल सकती हैं, और जब ईंधन के दाम आसमान छूने लगते हैं, तो जैसे कि आज के समय में हो भी रहा है, तब ईंधन की कीमतों के साथ साथ हर चीज महंगी हो जाती है, महंगाई बढ़ती है। लेकिन किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि आज के समय में हम इन्हीं रिसोर्सेस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, पेट्रोल और डीजल के दामों पर। एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूं दोस्तों। 1990 में पेट्रोल की कीमत भारत में थी लगभग 12 रुपए, जबकि सन 2000 में इसकी कीमत 25 रुपए हो गई, और 2010 में ये 47 रुपए, और आज 2021 में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के भी ऊपर हैं। यानी कि 10 साल में पेट्रोल का रेट लगभग डबल हो जा रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो 2030 में ये दाम 150 से 160 रुपए हो ही जाएंगे, 2040 में ये बढ़कर 300 के पार चले जाएंगे, और जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल धरती के अंदर से खत्म होते जाएंगे, इसकी कीमत लगातार बढ़ती जाएगी और इसकी कीमत सोना बन जाएगी। पेट्रोल और डीजल नॉन रिमूवेबल एनर्जी है, जैसा कि इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद रिसाइकिल करके दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, और यही वजह है कि डिमांड ज्यादा होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से इनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते भी जाएंगे। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल महंगा होने का एक और कारण भी है, और वो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग। कैसे बनता है पेट्रोल और डीजल? ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल सीधे जमीन से खोद कर निकाल लिया और गाड़ियों में डाल लिया, ऐसा नहीं होता है। ये अपने प्योर फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि जमीन से पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, जिसमें से कच्चा तेल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल, नेफ्ट, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच आदि चीजें होती हैं। कच्चे तेल को साफ करने के लिए इसे कारखानों में लाया जाता है। इन कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। फिर कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में उपस्थित चीजें पाइपों द्वारा निकाल ली जाती हैं। इस तरह पेट्रोलियम का एक हिस्सा पेट्रोल के रूप में प्राप्त होता है। पेट्रोल और डीजल की मैन्युफैक्चरिंग डिस्टिलेशन से हासिल की जाती है। दोस्तों, ये इनकी कीमतों पर बड़ा असर डालती है। आपको बता दें कि देखा जाए तो पेट्रोल के दाम फिक्स नहीं होते हैं, हर देश में पेट्रोल के दाम बदलते रहते हैं। जैसा कि भारत में आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए हैं, तो दुबई, सऊदी अरब में इसके दाम कुछ और ही होंगे, क्योंकि जिस देश में कच्चे तेल के कुएं हैं, जहां से पेट्रोलियम निकाला जा सकता है, उन देशों में पेट्रोल की कीमत कौड़ियों के दाम पर होती है, और जिन देशों में कच्चा तेल नहीं पाया जाता है, उन देशों को दूसरे देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, और उसके बाद रिफाइनरीज डिस्टिलेशन को भी इसका प्राइस देना पड़ता है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमत उन देशों के लिए बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोलियम, यानी कि जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, वो आता कहां से है? तो दोस्तों, ये भी एक बड़ा ही दिलचस्प विषय है कि हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जानवर जमीन के अंदर पृथ्वी के उथल पुथल के कारण दब गए थे, जिससे अत्यंत दबाव और गर्मी के कारण ये मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए, और फिर मनुष्य ने समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडारों का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस काले पदार्थ को बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इन सब बातों से अब आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि 1 लीटर पेट्रोल निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे अब हमें इसकी बचत करके इस नेचुरल रिसोर्स को बचाना होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल ज्ञानी फाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज ज्ञानी फाइट को भी फॉलो करें। मीट यू इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल दैट, गुड बाय।